क्या आप सभी जानते हैं कि राजद्रोह क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, शब्दों द्वारा, संगीतों द्वारा, दृश्य रूपण द्वारा यानी कि दिखाकर या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा की भावना या सरकार की अवमानना करेगा या अप्रीति की भावना फैलाएगा यानी कि शत्रुता और अभक्ति की भावना फैलाएगा तो वो राजद्रोह का अपराध कर रहा है, ऐसा कहा जाएगा और उसको आईपीसी के सेक्शन 124A के अकॉर्डिंग आजीवन कारावास साथ में जुर्माना या 3 वर्ष का कारावास साथ में जुर्माना या सिर्फ जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब यदि कोई व्यक्ति सरकार के प्रशासनिक कार्यों के प्रति टीका टिप्पणी करता है या सरकार के कार्यों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से टीका टिप्पणी करता है तो ये राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा। आप सरकार के कार्यों के प्रति बोल सकते हो, जनता को हक है, लेकिन सरकार के प्रति आप घृणा की भावना और शत्रुता की भावना नहीं फैला सकते। अपराध है और इसको राजद्रोह का अपराध कहा जाता है।